नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे एंड आई एम योर मेंटर शेवांश बसी। सो यस, थोड़े बहुत लोग नाराज होंगे मेरे से कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा, बट उसके लिए एडवांस पे सॉरी। और मैं आप लोगों से एडवांस पे सॉरी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 2-3 दिन के बाद शायद फिर से अवेलेबल ना रहा। सो बिकॉज अगर रीज़न आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरी सिस्टर की वेडिंग है ऑन 15th ऑफ मार्च। सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ज़्यादा कि मैं अभी इन्वेस्ट कर पाऊँ यूट्यूब पे। सो अराउंड 15-16 तक तो मैं बिजी रहूँगा एंड उसके बाद मैं फिर से डेली यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। सो कोऑपरेट करिएगा, अगर मेरे को जितना टाइम मिल पा रहा है मैं उतना यूट्यूब वीडियोज़ को अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस वीडियो एंड बात करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटअप रह सकता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था मार्केट के अंदर कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर काम कर रही है, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या मार्केट का सेटअप होना चाहिए, पूरी की पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग नए लोग हैं, डेफिनेटली लेटेस्ट वीडियोस और मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टॉक जो मैंने ओपन करा हुआ है दैट इज जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील एंड पावर JSPL का स्टॉक मैंने ओपन करा हुआ है एंड यहाँ पर मैं आपके सामने एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ मिस बिल्कुल भी मत करेगा, ठीक है। सो लेट्स डू आर एनालिसिस। देख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पर बहुत टाइम कंसोलिडेट करा, उसके बाद एक ब्रेकआउट, इट गेव अ रीटेस्ट, अगेन इट मूव्ड अप और फिर से एक रीटेस्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर रीटेस्ट पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बाय के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, बट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी हम इसे सेल कर सकते हैं। क्यों? अगर आप इस लाइन को फॉलो करें, इस लाइन को अगर आप फॉलो करेंगे, देखिएगा एक ब्रेकआउट आया, बहुत शार्प ब्रेकआउट आया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे रीटेस्ट करने आया, एग्जैक्ट यहाँ पर विक बना के रिजेक्शन फेस करके स्टॉक ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, एग्जैक्ट इसी लेवल पे दोबारा रिजेक्शन फेस करा एंड वो दोबारा ऊपर गया। बट अब आप देख सकते हो कि इन्हीं दोनों पॉइंट के नीचे जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी है, जो कि एक सिनेरियो बताता है कि ये स्टॉक बियरिश जोन के अंदर है। बियरिश जोन के अंदर है तो हम लोग क्या शॉर्ट बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। ये देखने में टारगेट आपको कम लग रहा होगा, बट एक्चुअल में अगर आप इसे करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका करंट क्लोजिंग प्राइस है 313 का। अगर ये 312 को ब्रेक करती है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर तो यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट एंड आई थिंक द टारगेट शुड बी 308 से लेके 305 तक के, जो कि इंट्राडे में बहुत इजीली है और जो आपको बहुत आसान से टारगेट्स मिल सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर स्टॉक पे आप सेल साइड डेफिनेटली इनिशिएट करके चल सकते हैं एंड लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टॉक। सो अगर आज की मार्केट की बात करें तो मैं आप लोगों को एक इंडेक्स शो करना चाहता हूँ जो कि निफ्टी आईटी का है। निफ्टी आईटी का ही एक ऐसा इंडेक्स है जो 2% 1.5% तक की मूवमेंट दी थी, बढ़िया स्टॉक था, 1% के ऊपर इस पर्टिकुलर इंडेक्स की मुझे क्लोजिंग देखने को मिली है और एक था फाइनेंस सेक्टर पे, तो मुझे उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं है, तो हम लोग ने आईटी सेक्टर को सेलेक्ट करा और इसी के बेसिस पे मैं 3 स्टॉक्स आप लोगों के लिए आईटी सेक्टर के भी लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड स्टॉक दैट इज HCLTech। HCLTech पे आप देख सकते हैं कि ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर एंड रेंज पे अगर आप देखेंगे तो हैवी कंसोलिडेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, एक हैवी कंसोलिडेशन वो देखने को मिल रहा है इस हायर साइड के रेजिस्टेंस पे। एक बार नीचे आया, दोबारा ऊपर हो गया और इसी हायर रेजिस्टेंस पे ही हमें मल्टीपल कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो देयर इज अ चांस, एक थोड़ा हायर चांस है कि अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ जाता है तो एक अच्छी मूवमेंट, एक रीटेस्ट और एक अपसाइड की तरफ ही बढ़ना स्टार्ट कर सकता है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम डेफिनेटली वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे और करंट प्राइस जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का है दैट इज 973 का इसका CMP है, क्लोजिंग प्राइस है 975.5 के ऊपर, अगर ये निकलता है 976 के ऊपर भी निकल जाता है यू कैन गो फॉर अ बाय। आई थिंक द टारगेट शुड बी 982-988 तक के टारगेट्स आपको इंट्राडे के अंदर या एक हेवी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। सो इस स्टॉक को डेफिनेटली वॉच करेगा। आर थर्ड स्टॉक इज TCS और ये दूसरा स्टॉक है IT सेक्टर से।
ठीक है। मैं आप यहां देख सकते हैं एग्जैक्ट इस लेवल से, लेट मी शो यू, एग्जैक्ट इस लेवल से एक अच्छी बाइंग आना स्टार्ट होती है। क्यों, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, ठीक है। ये एक लेवल था जहां पर हम लोगों ने एक ब्रेकआउट को देखा था, एग्जैक्ट इस लेवल से गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट होने के बाद एक रैली स्टार्ट हुई है। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं फ्रॉम दिस टू टॉप, ठीक है, एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस टू टॉप, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो लो लगा था दैट इज द 61.8% ऑफ गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल ऑफ फिबोनाची, ठीक है। एग्जैक्ट इस लेवल से ऊपर गया, इस लेवल से ऊपर जाने के बाद अब ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, देख सकते हैं। तो आपको एक यहां पर सिस्टमैटिक फॉर्म दिख रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा होगा जिसे हम लोग कहते हैं बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो ये बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीएमपी की अगर मैं बात करता हूं तो इसका जो करंट सीएमपी है दैट इज 3050, अगर ये 3060 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है और 15 मिनट की क्लोजिंग अगर 3060 के ऊपर हो जाती है, यू कैन गो फॉर अ बाय एंड आप यहां पर एक स्विंग ट्रेडिंग भी लेकर चल सकते हैं जो कि 3150 यानी कि 100 रुपए तक की मूवमेंट भी देकर जा सकता है। सो इस स्टॉक के अंदर कल आप ट्रेड कर सकते हैं टीसीएस, बट क्लोजिंग 15 मिनट की इंपॉर्टेंट होगी अबव 3060 की, ठीक है। लेट्स मूव टू आर फोर्थ स्टॉक दैट इज इन्फी इन्फोसिस, जो कि हमारा थर्ड स्टॉक है आईटी सेक्टर से, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक टाइप ऑफ एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे लग रहा है जो कि हम यहां पर देख सकते हैं। सी यहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जिसका मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है। अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली एक अच्छी बाइंग इसके अंदर भी आने को मिल सकती है। सो सीएमपी की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 1345 का, अगर 1347 को ब्रेक करता है, 15 मिनट की क्लोजिंग होती है, गो फॉर अ बाय 1360 या 1370 तक के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंफोसिस के अंदर, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली एक अपने एग्जैक्ट हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को तो कंप्लीट करेगा नहीं, इसके पैटर्न के टारगेट को, बिकॉज ये डेली चार्ट बना है, बट इंट्राडे के अंदर आपको 10 से 15 रुपए तक की मूवमेंट ये दे सकता है। Our last stock is Laurus Lab, जो कि मेरा of course portfolio stock है, कभी भी dip में मैं buy करता हूँ, मैं इसको higher levels पे buy कर लूँगा, चल lower levels पे मैंने buy कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं क्या हुआ है, एक previous high, जो ये previous high था, अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, first time resistance, second time resistance, third time resistance, it gave a breakout, first time retest करा, अब ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, second time retest करके इसने एक wick type of formation को बनाया है, ठीक है, एक विक टाइप ऑफ फॉर्मेशन को इसने बनाया है। सो यस, वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अगर ये 348 के ऊपर निकलता है, जो कि इसका सीएमपी है 347 का, अगर 348.5 के ऊपर भी निकल जाता है, गो फॉर अ बाय। अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक फाइंड कर रहे हैं, बाय दिस स्टॉक और भूल जाइए 4-5 साल के लिए, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने 5 स्टॉक आप लोगों को आराम से बता दिए होंगे। लेट्स मूव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड उसकी एक डेप्थ एनालिसिस कर ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आज के ट्रेड सेटअप्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने मल्टीपल यहां पर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को इनिशिएट करा था, ठीक है। सो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज के थ्रू ट्रेड करा था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस, आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऊपर के टाइम पे हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर आने को दिखा था, ठीक है। हमने देखा था कि हमें आज के दिन एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा था, ओके। सो आई पुट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जो मेरी एनालिसिस थी वो थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पर एक बियरिश गाटले पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड उसके बाद एक बुलिश गाटले पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर इज वीक, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जिस तरीके से क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट हुआ, देख सकते हैं एक वेज पैटर्न के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, एक वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, हेवी लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो कि एक ट्रिपल टॉप का भी सिनेरियो पे काम कर रही है, एंड लास्ट 15 मिनट्स के अंदर हमें एक 15 मिनट्स की क्लोजिंग देखने को। अगर कल एक ओपनिंग होती है सिंपल इसी लेवल पे या छोटा सा गैप डाउन ओपन होता है, सो यस वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट, जो कि हमें यहाँ से मतलब ज्यादा लेवल्स देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। बाय के लिए हम डेफिनेटली जा सकते हैं, बाय के लिए जाएंगे जब ये 15,120-125 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, क्या समझे,
15,125 रुपए के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है दिस लेवल, इसके ऊपर क्लोज करती है, गो फॉर अ बाय। सेल के लिए मैं सलाह तभी दूंगा जब इस लेवल के नीचे ये जाना स्टार्ट करता है जो कि 15,050 का है। सो 15,120 से लेके 15,050 तक कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेडेबल जोन है। नोट करिए 15,050 से लेके 15,125 का नो ट्रेडेबल जोन है। उसके ऊपर अगर जाता है, नीचे जाता है और 15 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है, यू कैन गो फॉर अ बाय एज वेल एज फॉर अ शॉर्ट। ठीक है, देख सकते हैं। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करता हूं, आप लोग शॉक हो जाएंगे, यूएस 30 है उसका सिंबल। मैं इसका डेली चार्ट्स ओपन करता हूं। ठीक है, डेली चार्ट्स जब मैंने उसका ओपन करा, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली टॉप से हम लोगों ने देखा एक हफ्ते के अंदर एक पूरी जो फॉल आई विद इन टू डेज उसे पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। पूरा रिकवर करने के बाद एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो बनाया एंड उसके बाद वो दोबारा एक इंडिसाइसिव कैंडल हमें शो कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो दिन के अंदर पूरे एक हफ्ते की फॉल को इसने रिकवर कर दिया, तो यानी कि मार्केट पॉजिटिव है। हमारी मार्केट यूएस मार्केट के हिसाब से ही थोड़ा बहुत चल रही है। सो यस, वी हैव टू बिट कॉशियस ऑन अ सेलिंग साइड, बट जिस तरीके से ये सिनेरियो दिखा रहा है, अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा आज किस तरीके से जो बियर है वो लास्ट के मूवमेंट पे ट्रैप हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ट्रैप हुआ, मेरी भी शॉर्ट पोजीशन थी मार्केट के अंदर, बट मैं भी ट्रैप हुआ, बट स्टिल आई एम वेटिंग। क्यों? कंसिस्टेंट एक ब्रेकआउट, एक अच्छा सा अप मूव आया, गैप डाउन ओपनिंग हुई और नीचे से फिर एक अप मूव की क्लोजिंग, उसके बाद अगेन एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, उसके बाद दोबारा एक अप मूव आई है, उसके बाद अगेन एक गैप डाउन हुई, बट आप देख रहे हैं जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बट हमेशा एक इनडिसाइसिव कैंडल की ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, लोज डेफिनेटली स्टेबल है, लोज डेफिनेटली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो इन कैंडल्स का मिल रहा है वो मिल रहा है 15,125 के ऊपर। सो अगर ये 15,125 के ऊपर जाता है तो वहां से 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट भी दे सकता है और उसके ऊपर मैं अपनी क्लोजिंग को भी बुक कर लूंगा। सो यस, 15,150 के ऊपर बाय, 15,050 के नीचे सेल। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने अभी रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। लेट मी टेल यू, बैंक निफ्टी भी एक अप मूव के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज के बाद एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं, सो एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेलिंग प्रेशर हमें आते हुए देखने को मिला है। हम लोगों ने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ली थी इंट्राडे के अंदर ऑन बैंक निफ्टी, एंड लेट मी टेल यू किस तरीके से हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर ली थी। जस्ट वेट अ सेकंड, या आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप हुआ है, लेट मी मेक इट फॉर यू। यस, ये एक पैटर्न बना है जिसे हम लोग कहते हैं बियरिश गार्टले पैटर्न। बियरिश गार्टले पैटर्न बना है और आप देख सकते हैं ऊपर से एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ऑलवेज चली भी आ रही है। एक बहुत बढ़िया सिग्नल मिला कि इस लेवल से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट एक कैंडल की क्लोजिंग हुई, यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट ली थी ऑन बैंक निफ्टी इन इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर हम लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट ली थी, यही एक लेवल था, एक रेंज थी जो हमारा टारगेट था। उसके बाद अगेन इट मूव्ड बैक अप, जब वो दोबारा ऊपर जाने लगा तो हम लोगों ने और शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करी। यस, यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद हम लोगों ने इस मिड बिटवीन थोड़ा सा और इंट्राडे पोजीशन में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करी है। स्टिल आई एम होल्डिंग, जो मेरा स्टॉप लॉस है दैट इज दिस लेवल। ये लेवल ब्रेक होगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मैं एग्जिट कर दूंगा, बट मुझे ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे बिकॉज मैंने जो इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज, जो मैंने एक्सपायरी की स्ट्रैटेजीज पुट करी थी, जिसमें मैंने 15,150 का पुट बाय करा हुआ था थोड़े टाइम पहले 4th of March को, 14,800 का पुट ऑप्शन दो लॉट मैंने सेल करे हुए थे, तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम उसका मिल चुका है। एंड 34,000 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर रखा था 10th of March का, उसका का पूरा प्रीमियम हमें मिल चुका है। 260 रुपये में सेल करा था, अभी 30-40 रुपये चल रहा होगा। सो यहाँ पर भी अगर मुझे थोड़ा बहुत लॉस होता है तो मैं उसे झेल सकता हूँ और नेट मैं प्रॉफिट पे ही एग्जिट करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, बट आपको मैं बाय एंट्री और लेवल बता देता हूँ। 30,100 के ऊपर, 30,070 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, इस लेवल के ऊपर गो फॉर अ बाय। ठीक है, अगर ये दोबारा नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे आना स्टार्ट करता और 35,840 के नीचे अगर अपनी क्लोजिंग दे देता है, 800 के नीचे अपनी क्लोजिंग दे देता है,
go for a short for a target of 200 on a downside plus on a 200 from an upside. ठीक है, यहां से ब्रेकआउट देता है 200 रुपए की मूवमेंट दे सकता है, यहां से ब्रेकडाउन देता है तो 200 रुपए की मिनिमम मूवमेंट दे सकता है. सो बैंक निफ्टी कल भी वॉलेटाइल हो सकती है. आज इंडिया विक्स 8.5% के डाउन साइड पे क्लोज करा है, इसी वजह से हम लोगों ने देखा एक स्पाइक हमें देखने को मिली है एंड के सेशन में. ठीक है, सो यहाँ पर बी कॉशियस, इंडिया विक्स को ऑब्जर्व करते रहिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, और वहां पर मुझे लगता है कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं. मैं कल की वीडियो पे एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आने वाला हूँ. सो आप लोगों का आज का काम क्या है, सबसे पहले तो पूरी वीडियोस देखिएगा, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, कोई भी डाउट्स आते हैं वीडियो रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और एक अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ऊपर है तो वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए. किसी की इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो वो हमें बताइएगा. ठीक है, आप लिख सकते हैं अबव 5 लाख, अबव 10 लाख एंड आई एम इंटरेस्टेड. तो मैं आप लोगों के सामने कल एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं जो आई थिंक आप लोगों को अच्छा बेनिफिट दे सकती है. ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं. डेफिनेटली और वीडियोस में कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि मैं 10-12 तारीख से के अंदर अंदर ढेर सारी बना पाऊं एंड आप लोगों को सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊं पाऊं एक नेक्स्ट वीक. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे गाइस. एंड गुरु ऐप के भी वीडियोस थोड़ी बहुत रह गई थी बीच में, मैं बनाना भूल गया था, बट मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया. मैं आज के आज कोशिश करूंगा कि सारी गुरु ऐप्स की वीडियोस बना पाऊं, एंड जब मैं और वीडियोस नहीं बना पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, सो गुरु ऐप में मैंने खुद भी एक म्यूचुअल फंड आज बाय करा है, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी बाय करते हुए, तो वो भी मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करूंगा कि कैसे बाय करते हैं, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एंड डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो पे गाइस. वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं बहुत अच्छे और मेहनत के साथ बनाता हूँ, बहुत एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ एंड आप लोगों को सीखने को मिलेगा. सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो पे. मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ.